तो दोस्तों ये है विंडो 10 हमारा हो चुका है, पर हम इसका लॉक खोल देते हैं। देखिए ये तो हमारे इंस्टॉल हो चुका है विंडोज़ 11। ये शाओमी के नोटबुक अल्ट्रा वेरिएंट है i5 वाला, इसके अंदर हमने यहाँ पर अपडेट किया है विंडोज़ 11 के अंदर। तो देखिए ये ओपन हो रहा है विंडोज़ 11। अगर आपके पास भी शाओमी का या किसी भी तरह का लैपटॉप है तो आप अपग्रेड कर सकते हो विंडोज़ 11 के अंदर। तो देखिए ये ओपन हो रहा है यहाँ पर, इसका जो कुछ फर्स्ट लुक है हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए इस तरह से ये ओपन हो रहा है, इस माइट टेक ए फ्यू मिनट्स यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड अब यहाँ पर लिखा हुआ रहा है प्लीज़ कीप योर पीसी ऑन द प्लग इन, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। देखिए तो ये यहाँ पर इस तरह से विंडो 11 का इंटरफेस है, क्योंकि ये बूट हो रहा है फ्रेंड, अपग्रेड हुआ है तो इसका सेटअप हो रहा है। देखिए जैसे ही थोड़ा ये सेटअप हो जाता है हम आपको वहाँ पर बता देते हैं कि वीडियो भी यहाँ पर हम रोकने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं विंडोज़ 11 की स्क्रीन पर। तो इस तरह का विंडोज़ 11 का इंटरफेस है हमारा, जो विंडोज़ 11 है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर हम आपको कुछ ही सेकेंड में बताने वाले हैं विंडोज़ 11 के फंक्शंस। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं हमारे विंडोज़ वाले ऑप्शन में, सेटिंग्स में। देखिए यहाँ पर हम सेटिंग्स में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ पर सिस्टम को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा होगा 11th generations। देखिए यहाँ पर 11th generation लिखा हुआ आ रहा है आपको यहाँ पर। देखिए फ्रेंड वही यहाँ पर आपको लैपटॉप के नीचे यहाँ पर दिखा रहा है विंडो स्पेसिफिकेशंस के अंदर विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज। तो ये था विंडोज़ 11 का अपडेट फ्रेंड। अगर आप भी अपग्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आपके विंडोज़ लैपटॉप को।